अंबाला एसडीएम ने अंबाला कैंट नगर परिषद में संभाला एडमिनिस्ट्रेटिव का पदभार। पदभार संभालते ही सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने व रुके हुए कामों में तेजी लाने की रहेगी प्राथमिकता। अब नहीं रुकेगा कोई भी मोटेशन का कार्य। अब रोड उतने ही फाड़े जाएंगे जितने हर रोज बना सके। दिन रात चलेगा रोड पर काम ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो सके। 1 नवंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन पर टोटल ही बैन होगा। इसके लिए एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज अंबाला एसडीएम सचिन गुप्ता ने नगर परिषद अंबाला कैंट में एडमिनिस्ट्रेटिव का पदभार संभालते ही सफाई को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा कि नगरवासियों को कोई परेशानी ना आए। साथ ही शहर में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको देखा जाए कि वो समय सीमा से चल रहे हैं या नहीं। अगर किसी में स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है तो वह भी की जाएगी। वहीं उन्होंने मोटेशन वाले कामों को भी चेक करने की बात कही ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। वहीं उन्होंने रोड वाले कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की और उनसे कहा कि उतना ही रोड का काम करें जितना कंप्लीट कर सकें ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही आदेश दिए कि 24 घंटे काम करें, रात में काम करें क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक नहीं होता। होटल बनाया उसके हिसाब से शायद मैं एक बार चेक कर लूँगा। मेरे वहाँ पे तो काम हो रहा है बट आप अगर कह रहे हैं तो मैं एक बार दोबारा रिव्यू कर लूँगा कि अगर कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर पेंडिंग है। रोड्स के कार्य हमने आज ही रिव्यू करे हैं। अभी आप जब आए थे तो मीटिंग ही चल रही थी तो उसको हमने बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखा है और कॉन्ट्रैक्टर को भी आज उनको आदेश कर दिए हैं कि जल्द से जल्द किया जाए और रोड उतनी ही वो मतलब स्टार्ट करें जितनी वो एक दिन में कंप्लीट हो सके ताकि फेस्टिवल्स का समय है, किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये भी है कि जो भी दुकानदार हैं, कोई भी पब्लिक है, उनको कोई परेशानी ना हो और सबका काम चलता रहे और वो रोड भी इम्प्रूव होती रहे। वो एक्चुअली थोड़ा सा जब हम वो चारों पांचों रोड एक साथ खुद गई तो इसलिए ना वो पेंडेंसी हो गई। बट हमने आज ही उनको ये आदेश किए हैं कि अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर जितनी भी पहले हमारी प्रायोरिटी की वो बन जाए और उसके बाद जो हमने एक SOP तैयार किया है कि जैसे जैसे उतनी ही रोड हम खोदेंगे जितनी हम आज एक दिन में बना सकें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और डे एंड नाइट हमने ड्यूटीज़ कर दी हैं कि ताकि रात में जब ट्रैफिक नहीं होता है तब वो सड़कें बने ताकि जल्दी बन जाए और किसी को परेशानी भी ना हो। नहीं, हमारी तरफ से संज्ञान भी लिया जाएगा और उससे ज़्यादा जो मेरी सोच है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं सारे शहर के वासियों से भी एक आग्रह है कि आप मैं जानता हूँ कि पॉलीथीन थोड़ा इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता है, हम वो यूज़ करते हैं। मैं सभी दुकानदारों से एक अपील है आपके माध्यम से कि जितना हो सके आप क्लॉथ बैग्स यूज़ करें, वो रीयूजेबल होते हैं। एक बार कॉस्टिंग ज़रूर है बट उसके बाद वो रीयूज हो सकता है। और दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम NGOs को साथ लेकर अगर हम अपनी तरफ से वितरण कर दें फ्री में या फिर बहुत ही एक निःशुल्क और या फिर बहुत ही कम रुपये में एक क्लॉथ बैग, स्पेशली जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि ये प्रथा जो पॉलीथीन वाली है वो ख़त्म हो सके। प्राथमिकताएं वही हैं कि सफाई से लेकर जितने भी हम लोग सर्विसेज देते हैं उन पे हम सिटीजन्स को जल्दी से जल्दी और इजी से उनको कोई परेशानी ना आए। और दूसरा जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं हम उनको रिव्यू करेंगे और इंस्पेक्शन करके देखेंगे कि अगर वो समय सीमा के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अगर किसी में स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे।